रवण कुमार की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्रवण कुमार की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। त्रेता युग के समय की भक्तों ये तो कहानी है, अज्ञाकारी पुत्र की जो कथा सुनानी है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ करते थे राज, बड़ी निपुणता से वो करते अपने काम और काज। धर्म परायण राजा थे, प्रजा थी सुखी सारी। राम लखन और भरत शत्रुघ्न पुत्र अज्ञाकारी। शांतनु नाम का एक ब्राह्मण रहता था वन में, ज्ञान देवी उनकी पत्नी रहती उनके संग में। धर्म कार्यों में वो अपना समय बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। बीत गए हैं भक्तों के विवाह को वर्ष कई, शांतनु और ज्ञान देवी को ना संतान हुई। ज्ञान देवी है बोली एक दिन कुछ तो करो उपाय, एक संतान है स्वामी हम दोनों को भी हो जाए। बिना पुत्र के माता पिता की होती गति नहीं, कितना समय व्यतीत करेंगे बिन संतान यूं ही। बोले शांतनु हे देवी यह है ईश्वर के हाथ, जैसा वो चाहते इंसान के होते हैं हालात। एक पुत्र होना चाहिए ये हम भी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। जो वचन कहे ब्रह्मदेव की भक्ति में शांतनु है बैठ गए। कई वर्षों तक शांतनु घोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मदेव तो भक्तों की सदा विनती सुनते हैं। शांतनु की भक्ति से भी वह हुए बड़े प्रसन्न, ब्रह्मदेव ने दे दिए हैं उन्हें साक्षात दर्शन। शांतनु ने फिर ब्रह्मदेव को शीश झुकाया है, अपने मन का प्रायोजन भी उन्हें बताया है।
एक पुत्र का वर दे दो, बस हम ये चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार, मिलते ना बारंबार। सुत जैसे श्रवण कुमार, मिलते ना बारंबार। बोले ब्रह्म देव हे शांतनु जैसे इच्छा तुम्हारी, पितृ भक्त तुम्हें पुत्र होगा बड़ा ही आज्ञाकारी। धन्य भाग तुम्हारे उसको पाकर हो जाएंगे, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र सब ही चाहेंगे। किंतु अपने पुत्र को तुम देख न पाओगे, नेत्रहीन तुम पति पत्नी दोनों हो जाओगे। शांतनु हे प्रभु गर विधि का यही विधान, शर्त आपकी ब्रह्म देवली खुशी खुशी मैंने मान। अंतर ध्यान तथास्तु कह के फिर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार, मिलते ना बारंबार। सुत जैसे श्रवण कुमार, मिलते ना बारंबार। कहा था शांतनु की पत्नी को हो गई गर्भ से है आशा। खुशखबरी है शांतनु को जो सुनाई पत्नी ने, शांतनु के मन में है फूटी आशा की किरणें। लगे शांतनु रखने है पत्नी का बड़ा ख्याल, थोड़े दिनों में हो जाएगा हम दोनों को लाल। धीरे धीरे सुबह घड़ी भी नजदीक वो आई है, ज्ञान देवी जो प्रसव पीड़ा से कहराई है। पुत्र रत्न की प्राप्ति फिर तो दोनों पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार, मिलते ना बारंबार। सुत जैसे श्रवण कुमार, मिलते ना बारंबार। के पास आए हो गई नेत्रहीन, पति पत्नी देख नहीं पाए। सोचा शांतनु ने शायद ईश्वर की इच्छा है, होनी है बलवान किसी का जोर न चलता है। होकर नेत्रहीन भी बड़ा पुत्र पे प्यार लुटाया, आज समय के श्रवण कुमार बड़ा होने को आया। मात पिता की सेवा में सदा रहता था तत्पर, पुत्र हुआ है वैसा ही जो ब्रह्म देव दिया वर। नेत्रहीन होने का वो कभी दुख ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात
माता पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। की सेवा में वो लगा बिताने जीवन, खुद अपने हाथों से बनाता उनके लिए भोजन। स्नान आदि सब नित्य कर्म वो माता पिता को कराता। पिता है मेरे परमेश्वर और दुर्गा जननी माता। शांतनु और ज्ञान देव एक दिन करने लगे बात, ईश्वर ने क्या कर दिया है अन्याय हमारे साथ। दिन और रात हमारी सेवा पुत्र रहा है कर, नेत्रहीन जो ना होते तो रहते खुद पर निर्भर। पुत्र पे बोझ अपाहिज मात पिता बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। कुछ भी करता अलग नहीं, हर एक पुत्र का फर्ज है माता पिता की सेवा करना। पूजा पाठ और तीर्थ का फल मिले न कुछ भी वरना। करना चाहिए पहले पिता के चरणों में प्रणाम, उसके बाद मानना चाहिए मानो को भगवान। जननी माँ का आशीर्वाद तो पहले पाना चाहिए, उसके बाद ही माता के मंदिर में जाना चाहिए। माता पिता जो प्रसन्न हो ईश्वर मिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पिता तो उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। सुनकर उसकी बात माता पिता दोनों हर्षाए, धन्य भाग हो गए हमारे तुम सा पुत्र जो पाए। धीरे धीरे दिन यूं ही है फिर तो लगे गुजरने, तन मन से वह माता पिता की सेवा लगा है करने। माता पिता की भक्ति देख कर हो गए भाव विभोर, अब तो दोनों बढ़ने लगे हैं वृद्धावस्था की ओर। एक दिन श्रवण कुमार को है दोनों ने पास बुलाया, माता पिता की सुन आवाज वो दौड़ा दौड़ा आया। बोले के हम तीर्थ सारे घूमना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। सुत
जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। श्रवण कुमार बोला सुनकर अति सुंदर बात कही, इसी बहाने देखूंगा सारे तीर्थ मैं भी। पुत्र तो आज्ञाकारी था क्यों बात नहीं माने, बना बांस की कांवड़ वो तो लगा है खूब सजाने। अपने माता पिता को है उस कांवड़ में बैठाया, असली सेवा का मौका आज मेरे लिए है आया। सभी तीर्थों की इनको यात्रा करवाऊंगा, माता पिता की सेवा में मैं जीवन बिताऊंगा। उठा के कांवड़ फिर तो रवाना वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माता पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। आए गढ़ मुक्तेश्वर हरिद्वार और गंगा में नहलाए, जगन्नाथ रामेश्वरम काशी ले गए बद्रीनाथ। चार धाम की है यात्रा मात पिता के साथ। फिर आए गुजरात में वो दाहोद नाम के गांव, एक नदी के किनारे देखी पीपल छाव। लगे सोचने यहाँ पे कुछ विश्राम किया जाए, अपने माता पिता को वो पीपल के नीचे लाए। वो विचार वहाँ तो श्रवण कुमार के मन में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माता पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। सोचने कब तक मैं ये बोझ उठाऊंगा, क्या इनकी सेवा में जीवन अपना बिताऊंगा। अपने जीवन का सुख फिर मैं कैसे भोगूंगा, अब ना होता सहन ये माता पिता से कह दूंगा। इतना सोच के माता पिता के पास में वो है आए, बोले के अब बोझ आपका नहीं उठाया जाए। सुनकर बोले शांतनु के उचित है तेरा विचार, छोड़ने से पहले हमको ये नदी करा दो पार। सब इच्छाएं पूरी तेरी हम भी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माता पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार।
कुमार ने मात पिता को फिर कंधे पे उठाया, करा के नदिया पार छोड़ दूं ये विचार है आया। बीच नदी में आया है वो किंतु जैसे ही आत्मगलानी श्रवण कुमार को मन में बड़ी हुई। अपने मात पिता से फिर तो माफी लगा मांगने, बोले शांतनु दोष नहीं कोई तेरा पुत्र इसमें। यह धरती ही शापित थी जो बदले तेरे विचार, जानते हैं हम वरना तेरे सदा है नेक विचार। उठा के कांवड़ फिर वो तो आगे बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। घूमत घूमत तीर्थों पे फिर सरयू टट आए, सोचा कि कुछ देर यहाँ विश्राम किया जाए। श्रवण कुमार से बोले शांतनु हमें तो प्यास लगी, देखो आस पास में पानी का स्रोत कहीं। रख दिया है कांवड़ को देख के ठंडी ठंडी छां, चला गया वो पानी लाने छूकर उनके पांव। सरयू नदी के तट पे जाकर लगा नीर भरने, आए थे राजा दशरथ वन में शिकार करने। बिना ही देखे शब्द भेदी बाण चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। कोई दशरथ जी ने दिया था बाण चलाए, श्रवण कुमार को लगा वो जाकर मुख से निकला आए। अनहोनी आशंका से दशरथ दौड़े आए, देखा श्रवण कुमार रहे हैं दर्द से कहराए। क्षमा याचना करके दशरथ उससे लगे पूछने, हो बालक कैसे आए थे तुम इस वन में। श्रवण कुमार ने फिर तो सारा हाल है बतलाया, अपने मात पिता को मैं तीर्थ करवाने लाया। नेत्रहीन है वह दोनों ही देख न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मात पिता तो उनके जैसा पुत्र चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। कुल है दोनों उन्हें जाके पानी पिलाना, पानी पीने से पहले ना उनको कुछ बतलाना। अफसोस मुझे मैं तीर्थ तो करा नहीं पाया, श्रवण कुमार
इतना कह के छोड़ गए काया। राजा दशरथ लेकर जल फिर उनके पास आए, बोले के जल श्रवण कुमार ने दिया है भिजवाए। बोले शांतनु पुत्र कहाँ है मेरा बतलाओ, जल लेकर वो क्यों ना आया इतना समझाओ। राजा दशरथ सारी घटना उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। इतना सुनकर मात पिता तो करने लगे विलाप, बोले राजन तुमने किया क्यों इतना बड़ा ये पाप। अपने पुत्र बिना तो ना हम एक पल जी पाएंगे, मरते मरते किंतु शाप तुम्हें देकर जाएंगे। पुत्र विरह में जैसे मेरा प्राण त्यागना होगा, कर्मों का अपने फल राजन तुम्हें भुगतना होगा। यही शाप तो बन गया है दशरथ के लिए वरदान, क्योंकि तब तक दशरथ को ना हुई कोई संतान। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता तो उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार, सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते ना बारंबार। किंतु शाप शांतनु का था सच ही हो जाना, 14 वर्ष वनवास पड़ा जब श्री राम को जाना। पुत्र विरह में शांतनु ने जैसे थे प्राण गवाए, श्री राम से विरह भी दशरथ जी सह ना पाए। मात पिता के भक्त हुए हैं ऐसे श्रवण कुमार, आज तलक उन्हें करता नमन है सारा ही संसार। वैसा तो कभी बन नहीं सकता भक्तों डीएस पान, कोशिश करता है रखने की मात पिता का ख्याल। सौजी सुरेश मुझे फर्जे याद दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मात पिता सब उनके जैसा पुत्र चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुत जैसे श्रवण कुमार मिलते